अस्सलामुअलैकुम। तो रियलमी के नंबर सीरीज के बारे में तो आप लोग बोल ही जाओ, लेकिन हाँ रियलमी का सीरीज जो है वो अभी भी इसके बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं। तो लीजिए हाजिर हूँ एक इंतहाई एक्साइटिंग न्यूज के साथ, और द न्यूज ये है कि रियलमी का C55 स्मार्टफोन पाकिस्तान में काफी जल्द आने वाला है। अब कब आने वाला है ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रियलमी C55 स्मार्टफोन इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश डिज़ाइन के साथ आता है। इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअबिलिटी फ्लैशलाइट और कैमरा की समत में एक चमकती दमकती यहाँ पर पट्टी दी गई है। स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो यहाँ पर मैट डिज़ाइनिंग के साथ आता है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, और बॉटम साइड पर रियलमी की ब्रांडिंग भी दी गई है। ये जो स्मार्टफोन है जो बैक साइड है वो यहाँ पर प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं है, बाकी यहाँ पर सन शावरी, रेनी नाइट और रेन फॉरेस्ट कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। स्मार्टफोन एक बॉक्स डिज़ाइन के साथ फ्लैट एजेस दिए गए हैं, और ये फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का है जो कि 7.9 mm थिक है, और 189 ग्राम स्मार्टफोन को जो है वो आपको वेट देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। लुक जो वो स्मार्टफोन का इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और शानदार, और मुझे स्मार्टफोन का डिज़ाइन इंतहाई ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रियलमी C55 स्मार्टफोन में दिया गया 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक IPS डिस्प्ले जो कि सेंटर पंचोल कैमरा के साथ आता है। 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट है, 680 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और 87% की स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले एक बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया है, और अच्छी बात है कि पंचोल कैमरा है जो कि 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बेजल्स कम है, लेकिन चिन मुझे थोड़ी बड़ी लगी है, और आई थिंक इस प्राइस में एवरेज कंसिडर किया जाता है। IPS डिस्प्ले, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहूँ कि एक डिसेंट किस्म का डिस्प्ले और अपनी प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। अगर ये अपनी प्राइस बेहतर प्राइसिंग में आता है तो प्राइस के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो एक डिसेंट किस्म का डिस्प्ले है, और आपको यहाँ पर डायनामिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको नोटिफिकेशन और चार्जिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर एक पॉपअप देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। रियलमी C55 स्मार्ट में दिया गया मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर जो कि 12 nm पर बेस्ड है, और मान लीजिए 52 का GPU आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन 4/64, 4/128 और 8/128 वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको एंड्रॉयड 13 के साथ Realme UI 4 का जो है वो वर्जन आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है। G88 एक केबल प्रोसेसर है गेमिंग के लिए भी और आम इस्तेमाल में भी, और आजकल का ट्रेंड है कि काफ़ी स्मार्टफोन इसी प्रोसेसर के साथ आते हैं। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कितना स्टेबल होता है जब पाकिस्तान में आएगा। तो पाकिस्तान में आने की बात की है तो ये जो स्मार्टफोन है आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा। आखिरी जो 10 दिन है उसमें ये स्मार्टफोन अवेलेबल कर दिया जाएगा, और ये न्यूज़ जो है मुझे मास्टेक के हिसाब से मिली है। अकॉर्डिंग टू मास्टेक ये स्मार्टफोन आपको नवंबर के आखिरी 10 दिन में देखने को मिलेगा। ये जो स्पेक्स है और उस हिसाब से अगर मार्केट के हालात देखा जाए तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस अगर आप अंदाज़ा लगा सकते तो मैं समझता हूँ कि 40,000 से 45,000 के दरमियान में प्राइस होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। रियलमी C55 स्मार्टफोन की रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का दिया गया F1.8 अपर्चर के साथ, और एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पर ये स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अपने साथ लेके आता है। और स्मार्टफोन जो वो फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सकता है फ्रंट कैमरा से भी और रियर कैमरा से भी। रियलमी C55 स्मार्टफोन एक डिसेंट कैमरा सेटअप के साथ आता है, मेन कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो मे भी शायद स्ट्रगल ज़रूर कर सकता है ड्यू टू लो मेगापिक्सल काउंट। बाकी जब आएगा तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। रियलमी C55 स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 23 वाट की फास्ट चार्जर टाइप सी पोर्ट 3.5 mAh जैक है, और ये स्मार्टफोन एक सिंगल स्पीकर के साथ आता है। स्मार्टफोन इंतहाई खूबसूरत है, और इस बार तमाम जो स्पेक्स है वो काफ़ी बेहतरीन है अपनी प्राइस के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।